Assalamualaikum and welcome to my new vlog. आज का vlog हमारी daily routine के बारे में कि हम foreign में पाकिस्तानी students ईरान में हम किस तरह अपनी lifestyle गुजारते हैं, specially रमज़ान में हमारी क्या तर्ज ज़िंदगी है और हम किस तरह मतलब यहाँ पे सहरी इफ्तारी करते हैं, हमारे खाने पीने का क्या इंतज़ाम है और यूनिवर्सिटी हम जाएंगे, यूनिवर्सिटी का भी आपको दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी भी अपनी दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी में हमारी किस तरह क्लासेज होती हैं। सहरी हमने कर लिया है, सहरी रिकॉर्ड नहीं कर सका, बस जल्दी जल्दी सहरी किया, टाइम कम था। उसके बाद हमने सहरी में क्या खाया, मास्त खाया, दही मतलब, और साथ में सूखी रोटियाँ थी, बस यही हमारी सहरी होती है, पानी पी लिया साथ, सहरी हो गई। अब नमाज भी पढ़ ली, अब यूनिवर्सिटी जाना है सुबह, तो सो जाएंगे थोड़ी देर। रात भी सारी इसी तरह गुजर जाती है, कम टाइम मिलता है सोने के लिए, अभी रात को पढ़ लेता हूँ थोड़ा मैं, और अब सुबह थोड़ा रेस्ट करके यूनिवर्सिटी जाएंगे। एंड आई विल शो यू द रूटीन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, सो लेट्स स्टिक विद अस एंड वॉच इट आउट। सो आवर डे स्टार्ट्स विद द आयरनिंग ऑफ आवर क्लोथ्स, बस जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करके निकलने की करते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया, लिफ्ट का टाइम नहीं है, अभी मेरी बुक्स भी लाइब्रेरी में पड़ी हैं। जीने दो ना 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 chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain. Shukr hai main koi nahi, bas abhi ye log khade hain, ab aage bas kandhon ko kitabon ke bol mein chalte hain. Rishwat dena to khud papa ne sikhaya, 99% marks laoge to ghadi aur lanchadi. लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा। चले भाई, कैसी तैयारी आज आपकी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस भाई के अंदर भी आ गया जी। बताएं आपका क्या रिजल्ट? बचपन चला गया, बचपन तो गया, जवानी पास है, पास हो गया। चक्कर चक्कर चक्कर, जल्दी चक्कर, पास होगा, पास होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास होगा, जल्दी चक्कर। एक पल तो अब ये चेक कर सकते हैं आप रिजल्ट आने से पहले की शक्ल। शुक्र है मैं भी पास हो गया हूँ, क्लास में चलते हैं हम। वो देखें हमारा फोटोग्राफर भाई, के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ये हमारे प्यारे सीआर भाई, इन्होंने हमारी एग्जाम था आज एनाटॉमी का और कैंसिल करवा दिया। आप लोगों के एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पे एतमाद किया था और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस एतमाद को पूरी तरीके से बचा लो। और ये हमारे साहब के सीआर हैं, साहब का सीआर, आप कुछ कहना चाहेंगे किसी भी बारे में? इंग्लिश। अच्छा तो 12 बजे हमारी क्लास खत्म हो गई है, 8 बजे से 12 बजे तक बायोकेमिस्ट्री की क्लास थी, बायोकेमिस्ट्री परफॉर्मेंस की, और अब हमारा एग्ज़ाम था एनाटॉमी का, एनाटॉमी ऑफ यूरो जेनिटल सिस्टम का एग्ज़ाम था, मतलब क्विज टाइप था, तो वो सीआर ने कैंसिल करवा दिया एग्ज़ाम, तो अब एग्ज़ाम भी नहीं होगा ना क्लास होगी। और आज अनएक्सपेक्टेडली बायोकेमिस्ट्री का हमारा रिजल्ट भी आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, एक बायोकेमिस्ट्री रह गया हुआ था जिसका रिजल्ट नहीं, फर्स्ट ईयर का बल्कि, तो उसका रिजल्ट भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी पास हूँ, बाकी भी पास हैं, कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, अब उनको अगले सेमेस्टर में देना पड़ेगा वो, ये अभी बहुत अजाब है कसम से बायो को। ये यूनिवर्सिटी की न्यू बिल्डिंग बनी है, इसमें सर्जिकल टेक्निक्स और कौन कौन से इसमें शोबे हैं, सर्जिकल टेक्निक, एमएलटी भी है इधर ही, और ये दूसरी पुरानी बिल्डिंग है। I've never dreamed of somebody like you. I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are. Iska interior kafi fine aur acha bana diya inhone. Cause I'm in a field of dandelions, wishing everyone.
see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. ये भी आजकल इनको पता नहीं क्या कहते हैं, पर होते ये बहुत प्यारे हैं. नेचुरल पत्थर, ये कौन सी फारसी है? हर तरफ फूल हो और आसमान पर चांदनी रात हो, कैसा फील? जस्ट इमेजिन. वो देखें, एक सहेली बाग में बैठी रो रही थी जिसकी शादी हो रही थी. ओ, ब्लॉक हो गए हो आप, अनब्लॉक नहीं करती. And I'm pretty sure that you are that love of mine. Cause I'm in a field of paradise, wishing I never lost that. अब हमारी अगली क्लास है फिजियोलॉजी और हार्मोन्स की. पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी हुई है ना आजकल, यहाँ पे इतनी मतलब अच्छी हवा चलती है, मौसम आज बहुत अच्छा है, हुआ है भी चल रही है ठंडी और बादल भी आए हुए हैं, हर तरफ ग्रीन भी आई हुई. अब जाना मैंने क्लास में, फिजियोलॉजी की क्लास है मेरी. मुद्दे का मौसम हो गया यार, बारिश हो रही है ठंडी. बस मिस ना हो यार, बस जल्दी चल, 5 मिनट ऊपर हो गए. बस मिस हो जाएगी तो स्नैप से जाना पड़ेगा. मिस हो गई बस. अब बारिश भी हो रही है बाहर और अच्छी खासी सर्दी है इधर, सर्दी लग रही है, बारिश तेज होने लग गई है अच्छी खासी. ब्यूटीफुल आ गई है बस, पहली बस मिस हुई है और दूसरी बस आई है. यूनिवर्सिटी से आ गए थे वापस, 7:30 हो गए हैं अब, और इफ्तारी के लिए कुछ बनाया हुआ भी नहीं है, है ही नहीं कुछ इफ्तारी के लिए. पानी पियेंगे, रोज़ इसी तरह करते हैं कि बस सारी में हम पानी पीते हैं जामी श्री वाला, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ खाने को पकाते हैं. तो आज तो नहीं कर, कुछ पड़ा हुआ अभी भी, इफ्तारी के बाद ही बनाएंगे. तो देखते हैं क्या बनाते हैं हम, और मौसम देखें. ये हमारा हॉस्टल है डेंटिस्ट्री का, डेंटिस्ट्री कॉलेज के अंदर ही है. तो ये पार्किंग है सारी, सी दिस. इनको जाके देखता हूँ कि इन्होंने कुछ पकाया क्या किया. आपने आज क्या बनाया इफ्तारी के लिए? बहुत थके हुए. आप रोटियां नहीं लेकर आए इरफान साहब? क्या रोटियां ले आ, तू क्या बना रहा है आज? कुछ नहीं बना रहा, मैं बहुत थका हूं, सोने लगा. हाँ यार, आलू तो बना. आलू बनाऊं मैं? यार रोज आलू खाते रहते हैं, चिकन का. अभी तीन दिन पहले तो आलू खाए थे. नहीं आलू बना यार, ये देखें, ये मरीज बैठा हुआ है, इसको आलू खाने की पड़ी हुई है, अभी आलू बनाने पड़ेंगे फिर. आलू बना यार. चल ठीक है, फिर मैं आलू ले आता हूँ, तो बाकी प्याज तू भी काट दे. और प्याज काट देता हूं. हां ओए, वो प्रो के प्याज भी लेके आ. प्याज पड़े हुए नहीं है? देखो अगर नहीं पड़े तो लेके आ. 1.5 किलो ले आता हूं आलू. फिर टमाटर है? टमाटर है, प्याज और आलू ले आ. सही है, बेटे तू बना दे. चलो सही है. वो भुने हुए बनाऊं? हैं भुने हुए? भुने हुए और दही पड़ा हुआ है? दही पड़ा हुआ है, दही भी लाना पड़ेगा. ये हमारी इफ्तारी और ये खजूर और पानी से. मैं फिर अभी सामान लेने जा रहा हूँ, आलू लाने हैं, टमाटर लाने, टमाटर प्याज बोल के हैं, आलू और दही लेकर आना है, तो वो लेकर जा रहा हूँ. डेंटल कॉलेज का हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल है ये, और हॉस्पिटल के अंदर ही हमारा डेंटल का हॉस्टल है.
जो गर्ल्स हॉस्टल है वो उनका मेडिकल कॉलेज के अंदर ही है, पजिश्की के अंदर। हमारा हॉस्टल दंदान पजिश्की के अंदर है। गर्ल्स हॉस्टल जो है वो उनका पजिश्की के अंदर ही है, मतलब मेडिकल के अंदर पजिश्की है मम्मी। तो ये बाहर का व्यू है सारा, ये साथ बिल्डिंग है। सलाम। ये सबसे बड़ी दुकान है यहाँ पे, विटामिन सिटी। ये हॉस्टल के हमारे बिल्कुल साथ है, ये हमारा हॉस्टल है, ये साथ ही विटामिन सिटी है। आलू भी ले लिए 2 किलो, प्याज भी ले लिए। अब यहाँ पे योगर्ट लेना है। यहाँ पे इस तरह की शॉप होती है, मास्त कहते हैं दही को। तो ये लबानियात के नाम से शॉप होती है। यहाँ से सारी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, मिल्क, योगर्ट, डिफरेंट वराइटीज़ की चीज़ मिल जाती हैं, बटर मिल जाता है, फिर साथ में खजूरें, शहद, असल शहद, ओलिज की डिफरेंट वराइटीज़ सब मिल जाती हैं। ये यहाँ पर चिकन की दुकान है, एक मुर्गे ताज़ा, ये एक और चिकन की दुकान है मुर्गे ताज़ा, और यहाँ पर तखमे मुर्ग मिलता है। वो सामने एक नान वाली दुकान है, यहाँ से मैंने कुछ सामान लेना है, लेते हैं वो। इधर से मैंने चिटोस लेने थे, चिटोस ले लिए। ये हमारे आलू कटना शुरू हो गए और सालन पकने लगा है। कैसे आलू पकाए हैं आज शॉक में? पानी लगता है इसने बहुत ज़्यादा ही डाल दिया। कैसे आलू? अरे मम्मा 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 के आते खाने हैं यहाँ पर, तो रोज़ आलू खाते हैं या चिकन खाते हैं या कभी कभी दाल पका लेते हैं। मामा की जब भी कॉल आए पूछेंगे क्या बनाते हैं, तो भी आलू पका रहे हैं, आलू पका रहे हैं, रोज़ ही आलू। बस आलू पक के गए आखिरकार इतने घंटे पर। आ जाओ सैन साहब, लड़कियों के साथ लगे हुए हो। तो भाई 11 बज गए हैं, अब सुबह से दिन मसरूफ़ ही गुजरा है। 11 बजे हैं अब, 10:30 बजे खाना खा के फ़ौरक हुआ है। अफ्तारी में क्या किया था, सिर्फ पानी पिया था, उसके बाद खाना बनाने लग गए। आलू बनाए अशफाक ने, उसके साथ हेल्प करवाई थी हमने भी। तो करते करते 10:30 बज गए, आलू बने, फिर जाके खाना खाया। अब जाके लाइब्रेरी जाऊँगा, थोड़ा लाइब्रेरी में पढ़ूँगा, कल एनाटॉमी का अभी लेक्चर है, उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद बस फिर रात हो ही जाती है हम लोगों को, सोते सोते 2 बज जाते हैं आराम से। लाइब्रेरी जाऊँगा तो तकरीबन 1-2 बज जाएंगे लाइब्रेरी में, फिर उसके बाद 1.5 घंटे का तकरीबन होता है टाइम, फिर उसके बाद वो 1.5 घंटे में सो जाते हैं, अटेंड करते हैं, फिर सहरी में उठना है और फिर वही रूटीन दोबारा। 2 बज गए हैं तकरीबन, बल्कि 1 बजा है। अब लाइब्रेरी चले जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं सुबह के लिए। Changes everything that you ever dreamed of, disappearing when you wake up, but there's nothing to be afraid of.